शंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुलाधिपति सुरेश जैन ने आज़ादी के 76वें मंगल प्रवेश यानी अमृत महोत्सव पर देशभक्ति की अलग जगाई। कुलाधिपति श्री जैन बोले कि भारत को विकसित बनाने के लिए न केवल सोच बदलनी होगी बल्कि बड़े सपने देखने भी होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर आन बान और शान से ध्वजारोहण करके प्रोग्राम को अविस्मरणीय बना दिया। इस खास मौके पर जीवीसी मनीष जैन की भी गरिमाई मौजूदगी रही। संचालन डायरेक्टर PNT विपिन जैन ने किया, टिमिट के निर्देशक प्रोफेसर विपिन जैन, पैरामेडिकल के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह, प्रोफेसर प्रेरणा गुप्ता, प्रोफेसर संगीता कपूर आदि भी मौजूद रहे। सुरक्षा बलों ने तिरंगे को सलामी दी। अंत में मिष्ठान वितरण किया गया। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ आयोजित है। तो हमने 13 अगस्त को भी आयोजन किया था झंडा रैली के रूप में और वो इत्तेफाक से और आप सबकी मेहनत से बहुत ही अच्छा आयोजन था। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता दिवस आज ही है, 14-15 की रात को 12 बजे के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने भी जो आह्वान किया है हम सबको उसी की ओर आगे बढ़ना है। मेरा भी ऐसा मानना है कि जो 25 साल हमें और मिलेंगे 2047 तक, इसमें माननीय प्रधानमंत्री ने चाहा है और ये प्रण भी लिया है कि भारत को विकसित देश बनाना है, ना कि विकासशील देश बनाना है। ये केवल प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, आप में से कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन सभी 130 करोड़ भारतीयों को इसमें लड़ना पड़ेगा। अपने से पहले अपना देश, परिवार से पहले देश, शहर से पहले देश, सूबे से पहले देश, तब देश बनता है विकसित। 100 साल में अगर हम विकसित हो गए तो शायद हम पहले देश होंगे जो इतनी जल्दी विकसित होंगे। नहीं तो लोगों को कई साल लगे हैं, सभी मुल्कों को कई सौ साल लगे हैं, लेकिन हमारी स्पीच, हमारा युवा वर्ग और सबसे बड़ी बात हमारी सोच, जिसको हमें लेकर आगे चलना है। बहुत दिनों की आज़ादी, करीब 1000 वर्ष की जो गुलामी थी उस पर इन 75 सालों में हमारी मानसिकता चेंज होना शुरू हुई है और अब हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम जो भी अपना काम जहां भी बैठ कर कर रहे हैं उसको इस नियत से करें, क्या इससे देश का फायदा हो रहा है, क्या इससे मेरे परिवार का फायदा हो रहा है, क्या इससे मेरे मोहल्ले का परिवार हो रहा है फायदा हो रहा है, क्या इससे मेरे शहर का फायदा हो रहा है, क्या जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ या जिस फैक्ट्री में मैं हूँ, क्या हम उसकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं या हम उसकी अवनति के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं हम में से प्रत्येक अपने अपने घर, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने संस्थान के लिए उन्नति की बात सोच कर काम करेगा, आगे बढ़ेगा, इसमें आपकी एजुकेशन भी है। क्या हम ऐसी एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं जो देश के काम आएगी, जिससे हम दुनिया में अपना नाम करेंगे, या हम केवल टाइम पास कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें और हम बड़े सपने देखें। सपने दिन में देखे जाते हैं, रात वाले सपने तो कुछ और होते हैं,
लेकिन दिन में जो सपने देखे जाते हैं वो हम बड़े देखे। अगर हम सोचते हैं कि हमारा गोल ये है तो नहीं, हमें एक गोल नहीं करना है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जो भी गोल निश्चित करेंगे उसको आगे तोड़ेंगे। हमें स्वयं को अपने टारगेट को तोड़ना है, हमें दूसरे के टारगेट को नहीं तोड़ना है, हमें अपने आप को हर दिन बेहतर करने की कोशिश करनी है, तब देश अपने आप बेहतर होगा। अगर हम हर महीने प्रोग्रेसिव होंगे, हर दिन प्रोग्रेसिव होंगे, हर साल प्रोग्रेसिव होंगे, तो देश भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। ये भावना बर्बाद होने के बाद, हमारे साथ साथ बर्बाद हुआ जो देश जापान में, वहाँ देखी जा सकती है कि वहाँ आदमी देश के लिए सोचता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। वही भावना के नतीजे के तौर पर आज वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी से एक है। हमें उसी प्रयास में आगे बढ़ना है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश हम सब के साथ आगे बढ़ेगा। 130 भारतीय इसमें अपना अपना योगदान देंगे और हम जो हमारा टारगेट है कि हम अपना 2047 का 100 वर्ष की आज़ादी का जो महोत्सव बनाएंगे तो हम बहुत बेहतर होंगे और विकसित देश होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की और ये जो हमने अभी अमृत महोत्सव मनाया उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले वर्ष हम सबके लिए और बेहतर हो, हमारे देश के लिए बेहतर हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। आज आपका स्वर दूसरा था और जब परसों वहां से अमृत महोत्सव का था तो जो स्वर में उस दिन ओज था वो विपिन जैन साहब ने रिकॉर्ड किया हुआ है और वो यूनिवर्सिटी में डालिएगा कि सर ने किस स्वर से वो उद्बोधन किया था। और अब हम यहाँ पर राष्ट्रध्वज को फहराएंगे। मेरा माननीय कुलाधिपति महोदय, हमारे ग्रुप वाइस चेयरमैन माननीय मनीष जैन जी और जितने प्रिंसिपल डायरेक्टर्स हैं उनसे अनुरोध है कि वो ध्वज के पास आ जाएं।